राजाराम, मैं न कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजाराम, तुमको असंगत कहेंगे। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। देखा देखा इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है, हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है। और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। दो अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको शंभुक, हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूँ, आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुशल के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, राजदंड की आड़ में ऋषियों का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम, एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। 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 न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की करो जय जयकार करो। ब्राह्मणों के जाल में फंसे श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। कपट से बालिका वध करने वाले श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करो। अपनी पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। महर्षि शंभुक का वध करने वाले राम की जय जयकार करो। करो जय जयकार करो ताकि इनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ता रहे।